बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मामू जान दाऊड़ इज हियर। इस पर कमिटमेंट मैंने कोशिश की कि मैं किमियो अथॉरिटीज के साथ एक डिटेल मीटिंग अरेंज करवा सकूं, बट ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल मीटिंग अरेंज तो नहीं हो सकी। लेकिन आज कन्वीनर केएमयू और दूसरे कंसर्न ऑफिशियल के साथ टेलीफोनिक डिटेल डिस्कशन हुई है, तो इन लाइट ऑफ डेट हुई डिस्कशन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जितनी की हुई सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों ने सबमिट करवाई थी उसको मैं वन बाई वन क्लियर कर सकूं। फर्स्ट की हुई कि इंटरव्यू कब शेड्यूल हो रहे हैं, तो उसका सिंपल सा जवाब यह है कि नॉमिनेशन लेटर का फाइल सेक्रेटरी होम एंड ट्राइबल अफेयर के टेबल पे पड़ा हुआ है। जो ये वो फाइल अप्रूव हो जाती है तो उसके अगले दिन डायरेक्टली प्लेसमेंट ऑर्डर इशू करेंगे केएमयू अथॉरिटी। मसलन आप लोगों की जो इंटरव्यू है वो उसका कोई सीन पार्ट नहीं है, जो ही सेक्रेटरी होम एंड ट्राइबल अफेयर नॉमिनेशन लेटर का फाइल अप्रूव कर देता है और प्रोबेबली कल तक हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट डे वो प्लेसमेंट ऑर्डर देना शुरू कर देंगे, तो इंटरव्यू नहीं होंगे, इंटरव्यू का कोई शेड्यूल नहीं है, डायरेक्ट वो देंगे प्लेसमेंट ऑर्डर और आप लोगों ने फिर जाना पड़ेगा अपने कंसर्न कॉलेजेस में। सेकंड क्यूरी ये थी कि जो आज मैंने बाइफर्केशन शेयर की हुई थी 42 मेडिकल सीट्स एमबीबीएस प्लस बीडीएस, तो अक्सर स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि यही बाइफर्केशन अदर डिस्ट्रिक्ट के भी होंगे तो प्रोबेबली यही सेम सीक्वेंस होगा, प्रोबेबली 19-20 का फर्क आ सकता है और सीट्स जब नारद के 42 है तो ऑब्वियसली दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी 42 होंगे। उसमें यह है कि 36 सीट्स जो हैं वो बनते हैं एमबीबीएस के, इन लाइट ऑफ डेट वेरी बाइफर्केशन और 6 सीट्स बनते हैं बीडीएस के। थर्ड क्वेरी ये थी कि जो 90% और 10% का कंसेप्ट है डबल कोटा में, 10% जिन लोगों ने स्कूलिंग करी एवरीथिंग इन से की हो तो 10% उसके लिए रखे जाते हैं और 90% ओपन हो जाए, तो पहले फील होंगे 90% ओपन वाले और आखिर में फील होंगे 10% जो कि प्रोबेबली 10% भी बीटीएस वाले आते हैं, ठीक है। फोर्थ थ्योरी ये थी, एफआर वाले पूछ रहे थे कि हमारे पहले सीट्स थे 10, अभी एक दफा कम कर दिए हैं, एफआर पेशावर और एफआर के हॉट स्टूडेंट अक्सर ये पूछ रहे थे, तो इस पर स्टेटमेंट ऑफ कन्वीनर केएमयू, उन लोगों ने कहा कि पहले 4-4 सीट थे एफआर के, अब हमने कर दिए हैं 7, पहले 4 थे अब हमने कर दिए हैं 7। सिक्स थ्योरी ये थी कि केजीएमसी जो कि मेन इश्यू ये चला आ रहा है डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बलूचिस्तान में, क्योंकि जो 42 का मेरिट बना हुआ है उसमें तमाम सीट्स मेल ने फिल की हुई है, तो एज पर पॉलिसी और एज पर जो बाइफर्केशन है उसमें 5 सीट्स आते हैं फीमेल के खाते में, तो नॉर्थ के बारे में मैंने स्पेशल उससे क्लेरिफिकेशन लेने की कोशिश की कि सर अगर ये 5 सीटें केजीएमसी में फीमेल को दी जाती है तो इसका इफेक्ट तो मेल पे आएगा, क्योंकि जो 38, 39, 40, 41, 42 पे जो लोग मेरिट पे आ रहे हैं तो उसके साथ नाइंसाफी होगी और उन लोगों का स्टांस भी यही था कि केएमयू के डोजियर या केएमयू के मैनुअल में कोई भी ऐसा इस तरह की जेंडर वगैरह की कोई जिक्र नहीं है जिसे हमारे ये 42 सीट में से 5 सीट फीमेल को दी जाए, बट केएमयू अथॉरिटीज के साथ बड़ा डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन है, बड़ा डिटेल उसके साथ उसकी प्ली है, आर्गुमेंट है, जस्टिफिकेशन है और उन लोगों ने बाकायदा कुछ कोर्ट केसेस भी कोर्ट किए हैं कि केजीएमसी में अगर 5 सीटें एलोकेशन दी हुई है तो केजीएमसी में मेल तो नहीं पड़ सकते हैं, तो इन शॉर्ट ये कि नॉर्थ में जो मसला चला आ रहा है इन लाइट ऑफ टुडे डिस्कशन और जो केएमयू अथॉरिटीज के साथ बात हुई है तो उन लोगों ने यही कहा है कि 37 सीट्स मिलेंगे मेल को और 5 जो है ना वो दिए जाएंगे फीमेल, ठीक है। दूसरी डिस्ट्रिक्ट में यह मसला नहीं चला आ रहा है लेकिन नॉर्थ में यह मसला चला आ रहा है, और इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ और क्यूरीज पूछनी है तो वो काइंडली इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप लोग कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आखिर में एचईसी का बहुत पूछा जा रहा है लेकिन एचईसी अथॉरिटीज के साथ प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ मैं कोऑर्डिनेशन में हूँ, मेरे पास में कुछ है नहीं, मेरे हाथ में कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं
हम अपने फंड और बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और एज पर माय इंफॉर्मेशन कल परसों तक शायद मिनिस्ट्री वाले अप्रूवल दे दे और उसके अगले 4-5 दिन के बाद फिर ECC एडवर्टीजमेंट देंगे। अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि टेस्ट नहीं होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, तो इस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं सिंपल यही कहूंगा कि जो रूल होगा, जो कानून होगा, जो पॉलिसी होगी, उसके मुताबिक इन तमाम चीजों को डील की जाएगी। थैंक यू सो मच।